बैठ गया। चलो राम राम सारा ने। अब देखो आज जो चर्चा करेंगे ना वो दूरी और ऊंचाई पे चर्चा करेंगे अपन, दूरी और ऊंचाई। सबसे पहले बेसिक बातें करेंगे अपन कि भाई उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और कुछ आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे साइन का मान याद होना, साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन तीस का मान कितना होता है। तो पहले तो आपको डिग्री कोण के मान याद होना चाहिए, साइन तीस का कितना होता है, साइन तीस का, और साइन पैंतालीस का, साइन साठ, साइन नब्बे, अच्छा कोस का, कोस का, कोस तीस, कोस तीस का मान है, और कोस पैंतालीस, टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस, शाबाश। अब देखिए कुछ मान याद रखने होंगे, जैसे साइन तीस डिग्री कितना होता है, एक बटा दो होता है, और साइन पैंतालीस का एक बटा रूट है दो, साइन साठ का रूट तीन बटा दो। दो साइन साठ का होता है वही कोस तीस डिग्री का होता है, और साइन पैंतालीस का होता है वही कोस पैंतालीस डिग्री का होता है, और साइन तीस का होता है वही कोस साठ डिग्री का होता है। अगली बात सुन, इसके बाद टेन वाला मान याद होना चाहिए, टेन तीस का मान बोलो कितना होता है, एक बटा रूट है तीन। जो टेन तीस का होता है वही कोट साठ डिग्री का होता है, फिर टेन पैंतालीस, टेन पैंतालीस कितना होता है एक, वही कोट पैंतालीस का मान होता है, और फिर इसके बाद टेन साठ कितना होता है, ये कोट तीस डिग्री के बराबर है ना, ये भी रूट तीन। अब एक बात आती है इसके अंदर, जैसे ऊंचाई और दूरी वाले में, जैसे एक खंबा या फिर मीनार या कोई भवन या कोई पेड़, ऊंचाई ज्ञात करनी होती है या उसकी उसके पाद बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है किसी बिंदु से, तो सबसे पहले इसमें दो चीजें जरूर पड़ेगी हमें। जैसे मान लो कि किसी मीनार का स्तंभ बन, चित्र बनाए, तो मीनार को ऐसे ही दर्शाओगे, चाहे मीनार की बात करें, चाहे स्तंभ की बात करें, चाहे किसी भवन की बात करें, ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। कह रहा कि मीनार के पाद बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण है, यहां जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होता है, यहां जो थीटा कोण बनेगा वही क्या होगा आपका, उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और यहां जो कोण बनता है इसके ऊपर शिखर पर, ये होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों इक्वल होंगे, जितना अगर ये 60 है तो ये कोण भी कितना होगा 60। अब उन्नयन कोण को उनतास कोण भी कहा जाता है, क्या कहेंगे अपन, उनतास कोण, उनतास कोण भी कहेंगे, ठीक है ना, अवनमन कोण या उन्नयन कोण या उनतास कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है, इक्वल है, याद रहेगी बातें। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें और भी याद रखनी है, जैसा कि अगर हम बात करें कि ये कोई मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से कोई यहां पे बिंदु स्थित है, और उसकी चोटी से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, और ये दूरी मान लो कि उसने 30 मीटर दी हुई है, तो कहता कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h, मीनार की ऊंचाई h। तो आप लाल बट्टा कक्का में जाएंगे ना, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, तो आपको पता है कि भी लाल कक्के के छह टाबर है, पहले टाबर ये को नाम है साइन, इंग्लिश में नाम रखे अब इनका, और दूसरे को नाम है कोस, तीसरे को टेन, फिर तीन छोरियां, एक पहली पैर है कोट, दूसरी उन्हें सिक कसर रह जा तो कोसिक, यही तो बात पड़ी। तो ए लाल बट्टा कक्का के टाबर ही
छह बडेरो आदमी, छह टाबर है। नाम देखो मारवाड़ी है, पर टाबरा का नाम इंग्लिश में रखे आगला। पहले को नाम साइन रखे, दूसरे को कोस रखो, तीसरे को टैन रखे, तीन है गुडिया, पहली कोट पहरे, दूसरी उन सुकावे सेक, और चौथी न सुखे तो फिर कोसेक। समझ में आई? तो साइन होता है लंब बटे करण, कोस होता है आधार बटे करण, टैन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब। ये मान ध्यान होने से छह सदस्य का नाम याद होना चाहिए। साइन कोस टैन कोट सेक कोस, बोलो साइन कोस टैन कोट सेक कोस। तो साइन कोस टैन कोट सेक कोस, ये आपको याद रखने हैं। फिर अगर यहाँ पे देखो, मैंने कहा ये दूरी 30 है, तो एच बताइए। अगर यहाँ पे 45 बनता है, तो आपको पता है कि टैन 45 बनेगा, टैन 45, क्योंकि लंब ये आपका लंब और ये आपका आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटे आधार है टैन, और इसका मान क्या है एच, और आधार का मान है 30, 30 आया। अब ये जो 30 है, तो यहाँ पे मान क्या आया, एक, और बराबर एच बटा में 30, तो एच क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एच बराबर कितना आया 30, एच की वैल्यू 30 आई, एच की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, आपको सोच लेना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, यानी टैन बनता हो और थीटा की वैल्यू 45 आ रही हो, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी, जितनी ऊंचाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60, ये बात याद रहेगी। तो कुछ क्वेश्चनों को जैसे कई डाटा सोल्व कम करनी पड़े और काउंटिंग से बचना हो, तो आपको यहाँ पे रखना है 45 दिखे आपको, तो यहाँ पे बराबर दिखेंगे, की बात ध्यान रखिएगा। ये 60 है तो ये भी 60, और ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। बात समझ में आई? अब चलेंगे अपन क्वेश्चनों की ओर। मुझे बताओ साइन के मान याद है डिग्री कोण में, साइन 30 का मान एक बढ़ा दो, साइन 45 का मान कितना, साइन 60 का मान शाबाश रूट 3 बटा 2, और कोस 60 का मान बताइए आप लोग एक बड़ा दो, और कोस 45 का टेन 45 का, और कोट 45 का टेन 30 का, और टेन 30 का है वही कोट 60 का है, और कोट 45 का वही टेन 45 का। तो ये बातें आपको पता है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब चले क्वेश्चनों की ओर। तो ये बात याद रखेंगे कि कहीं टेन बनता हो और 45 डिग्री का कोण दिया हो, तो ऊंचाई और दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, याद रहेगी बातें। तो ये आपको मैंने कहा था 30 है। बाय द वे मान लो होता ऐसा कि ये 100 होता और इसका नहीं पता यहाँ पे कोण कितना बनता है 45, तो कितना होगा ये दूरी भी 100 मीटर की दूरी पर होगा। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर की दूरी पे होगा, कोई डाउट नहीं किसी को। चले कृष्णों की ओर, कर पाओगे ना? चलो अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। तो क्वेश्चनों में आए, तो दूरी वाले निकाल लेते हैं, आज दूरी ऊंचाई के कर लेंगे, और दूरी ऊंचाई का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ये देखें पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको करना। देखो दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ, मैंने आपको एक बात बोली, कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ, तो स्तंभ मुंह ऐसे ही बनाना है, स्तंभ मीनार भवन और पेड़ ऐसे ही बनाओगे आप लोग। एक स्तंभ तथा उसकी ऊंचाई, एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाई, तो परछाई हमेशा ये होती है, ये स्तंभ और ये स्तंभ की परछाई का अनुपात,
एक अनुपात रूटीन है, तो यानी ऊंचाई तो है एक और परछाई या रूटे तीन, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यहां पर ये थीटा की वैल्यू पूछा है, ये कितना होगा? तो आप लालबट्टा कक्का में जाएंगे, लालबट्टा कक्का, और लालबट्टा कक्का में देखो तो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, तो टेन थीटा बना आपका, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बना आपका एक, आधार बना रूट है तीन, तो इसके बाद देखिएगा टेन थीटा बराबर एक बटा रूट तीन, मान किसका होता है? टेन तीस का, तो टेन तीस डिग्री और टेन से आपने टेन काट दिया, तो थीटा का मान आपका उत्तर आया तीस डिग्री, तीस डिग्री। अब देखो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करना होता पेपर में तो आपको पता है कि भी आधार और ये लंब और ये आपका आधार, लंब आधार में क्या होता है एक बड़ा रूट तीन, और एक बड़ा रूट तीन किसका होता है? साठ डिग्री का, और किस में बताना है? टेन में, तो उत्तर कितना आ जाता है? नहीं सॉरी, तीस, कितना आया? तीस, क्योंकि एक बड़ा रूट तीन किसका होता है? टेन है, तीस का होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तीस डिग्री। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सवाल सभी को समझ में आ रहा होगा। हैं, छोटी उटी बराबर मार लेते हो मौसम खराब होते ही, क्यों? हाँ, आज तो मन कर रहा होगा कि मौसम भी ऐसा ही है ना, अगर थोड़ी सी बुखार रेडी होती तो इतना मम्मी कह दी होती बेटा रहने दे आज आज जान, है ना, कि एक दिन में कलेक्टर बने, क्योंकि अपन तो बनू चाहे, अब कई तो मन लगा कि आज थोड़ी सी हल्की सी कहकर जुकाम होगी होगी तो टावरा बानो बना लियो, क्योंकि मम्मा तबीयत ठीक को नहीं, बोल हाँ रहने दे बेटा एक दिन में को कलेक्टर बने, मैं को बनी ने और क्या है, तो छुट्टी मत मारा करो भाई, थोड़ो सो मौसम को बानो लेके टावर छुट्टी जदी मार ले। अब देखेगा अगले क्वेश्चन पे आइए, किसी समय सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है सब। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब देखो ओजिको सूर्य थारो है ना, अग्नि देवता भू देवता स्वाहा, ये वाला आपका सूर्य हुआ साहब, और सूर्य का किसी समय उनतास कोण कितना है? 60 डिग्री है, बोला गया है। एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबा है, ये ऊर्ध्वाधर खड़े किसी खंबे की परछाई, ये खंबा है और ये इसकी परछाई है, और परछाई कितनी है? 100 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई तो ये होगी। अब देखिए लंब आधार, यानी लाल बट्टा कक्का से पूछेंगे ना तो आपको जवाब देगा वो कि भैया कौन सी श्रेणी का है, कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? देखो लंब आधार में किसकी बात कर रहा है वो? टेन की बात कर रहा है, यानी टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बनेगा यहां पे, तो टेन थीटा की जगह कितना रखेंगे? 60, और लंब की जगह एच, और आधार की जगह 100, और टेन 60 का मान कितना होता है? रूट है 3, और बराबर एच बटा में 100, एच बटा में 100। अब देखो एच बराबर हो गया आपका, एच बराबर क्रॉस मल्टीपल किया तो 100 रूट है 3। अब रूट 3 का अगर हम मान रखें 1.732, तो हो जाता आपका 100 × 1.732, तो 173.2 मीटर, ये आपका फिक्स उत्तर आ गया। अगर 1.72 की वैल्यू रखता है, 1.732 किसके रूट है? 3 के वैल्यू, तो आपका उत्तर हो जाएगा 173.2। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है किसी को? शाबाश, कोई डाउट नहीं है शिवाय खुद के, क्यों डाबरो? सवाल तो समझ में आ गया होगा, कर लोगे? दोबारा बताना है? बिल्कुल नहीं, सारणी के मान याद है, खंबा बनाओगे तो सीधा, और परछाई बनाओ तो तिरछी टेढ़ी, नीचे बनानी है परछाई, कदी न्यू को गुरुजी में तो बराबर में खड़े हो जब परछाई दीवार के ऊपर पड़े, पर आप चलिए
जब भूतल पे चलेंगे, जमीन पे चलेंगे तो परछाई कहाँ होती है? नीचे होती है, है नहीं? नीचे होती है परछाई। तो परछाई हमेशा नीचे बनानी है। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तीसरे क्वेश्चन पे आए, देखो क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में। सूर्य का उनतास कोण कितने से कितना हो जाता है? 45 से 30 डिग्री हो जाता है। 45 से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे, तो ये सबसे पहली बनायो अपा ओ खंबो। क्या बनायो? खंबो। ध्यान दियो यो खंबो है ऐसा। ए खंबे से 49 कोण जी को सूर्य की बात करें, इससे कोण कितो बतावे? कि भैया 45 डिग्री से कितो हो गयो? ओ 45, और ये हो गया आपका 30 डिग्री। 45 से 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री, 45 से 30 डिग्री हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो ये लो आपका 10 मीटर बढ़ गया सब। पहले परछाई ये थी, अब परछाई 10 और बढ़ गई। तो क्या इस परछाई का मान पता है आपको? नहीं। ये आपकी एक्स है। टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी आई? एक्स प्लस 10 मीटर। तो पूछ रहे खंबे की ऊंचाई क्या होगी? तो खंबे की ऊंचाई एच, खंबे की ऊंचाई एच। देखो लंब आधार बन रहे कि नहीं? पहले में सब छोटे वाला त्रिभुज देखेगा, इसमें बड़े वाले को बाद में लेना है। ये ध्यान रखें कि जो छोटा त्रिभुज बनेगा इधर, तो छोटे त्रिभुज को पहले काम में लेना है। तो इसको डाटा एबीसी नहीं लिखना, दसवीं कक्षा के बारहवीं, दसवीं कक्षा कोई एग्जाम नहीं है। हम लोग दसवीं कक्षा में क्या लिखते थे? त्रिभुज एबीसी में ये लंब, ये आधार मानना भी लिखते हैं कि मानना हमने, ये मानना। अब यहां कोई नहीं मानना, उत्तर में नंबर आने हैं सब। तो देखो सीधा ही टेन 45 बनता है, क्योंकि आधार लंब और आधार जो हो तो क्या होगा? टेन। तो हम थोड़ा सा देखो लाल बट्टा कक्का से पूछें तो वो आपको जवाब देगा कि लंब बटे आधार क्या होता है आपका? टेन होता है। तो ज्यादातर इसमें टेन ही बनेगा। क्या बनेगा? टेन। टेन या साइन बनता है ज्यादातर, टेन या साइन। तो लंब आधार बन रहे, तो लंब आधार बन रहे। यहां पे कोण देखिए कितने, 45 डिग्री है नहीं? 45 45 डिग्री कोण बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल 45 डिग्री कोण है बनता। अभी थोड़ी देर हमने एक बात पहले की कि जब आधार और ऊंचाई में किसी एक डाटा दे रखा है, किसी एक का मान दिया है, ये बात पढ़े हम, किसी एक की डाटा देता है लंब आधार में से, और थीटा का मान 45 हो, तो मैंने कहा था जितनी आधार होगा उतनी ही ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई होगी उतनी उसका आधार होगा, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। फिर भी आपका अगर मन मांगता नहीं है, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं है ही बेचारा ऐसा, है कि नहीं? किस किस की माने? खुद की माने तो दूसरे की नहीं मानता। तो टेन 45 बराबर एच बटा एक्स, तो टेन 45 का मान एक, एच बटा एक्स, तो एच बराबर हुआ आपका एक्स, एच बराबर है एक्स। बात समझ में आई? एच बराबर क्या हुआ? एक्स हुआ। अब इसके बाद दोबारा से देखें त्रिभुज में, ये आपका बना लंब और ये बना आपका आधार, और थीटा की वैल्यू 30। अब टेन 30 के लिए देखिएगा आप, टेन 30 बराबर लंब बटा में आधार, और आधार है एक्स प्लस 10 मीटर, एक्स प्लस 10 मीटर। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट है नहीं है। तो टेन 30 बराबर एच बट्टा एक्स प्लस 10। हमें क्या पूछा? एच। तो यहां पे गड़बड़ करता है बीच में एक्स, एक्स को यहां से खाना खाने के लिए भेज दो, और एक्स की जगह क्या रख दो? एच रख दो। और टेन 30 का मान होता है एक बटा रूट 3 बराबर एच बट्टा एच प्लस 10, रख दिया। अब आइए क्रॉस मल्टीपेपल पे, तो आपका बना एन प्लस, या फिर इधर ले लेता हूं इसको, रूट 3 एच बराबर एच प्लस 10। अब ले लिए हमने पक्षांतरण किया इधर, तो बन गया आपने एच लिया कॉमन, पर फिर भी लिख देता हूं 3 एच माइनस एच बराबर 10, और एच लिया कॉमन,
तो बन गया रूट तीन माइनस एक बराबर दस, और एच बराबर उत्तर आ गया बस रूट तीन माइनस एक। अब तक उत्तर देखो जरूरी नहीं है कि यहां तक आए, हमने एक बात पढ़ी थी नीचे कोई भी ऐसी डाटा आए तो रेशियलाइजेशन करेंगे आप, उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे लेते हुए गुणा करेंगे, इस चिन्ह का विपरीत चिन्ह लीजिएगा साहब। तो देखिए h का h और 10 बटा में रूट तीन माइनस एक और रूट तीन प्लस एक ऊपर गुणा करेंगे रूट तीन प्लस एक और 10 इंटू रूट तीन प्लस एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो रूट तीन की स्क्वायर माइनस एक की स्क्वायर रूट तीन स्क्वायर बराबर तीन माइनस एक और बराबर दो, तो आया आपका बट्टा में दो। फिर लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले बाकी बिहारी की जो यही तो। अब देखो साहब इसकी जगह लिखेंगे रूट तीन की स्क्वायर माइनस एक की स्क्वायर, थोड़ा इधर आ जाते मान नहीं बचा साहब, थोड़े से बोर्ड छोटा पड़ गया क्वेश्चन बड़ा हो गया, तो दस और रूट है तीन प्लस एक बट्टा में तीन माइनस एक बराबर दो, तो दस इंटू रूट है तीन प्लस एक बट्टा दो कट गया पांच और पांच रूट है तीन प्लस एक उत्तर आ गया, लगा लो और घोड़ो और उत्तर का निशान ला लो, कोई डाउट है? और अपने घड़ो भी दुखना क्यों भैया। अब देखो टेन पैंतालीस दिखे मुना टेन पैंतालीस दिखे तो आधार और ऊंचाई इक्वल, इक्वल होगा कि नहीं होगा, आधार ऊंचाई इक्वल होगा, तो एच बराबर एक्स। हमें ये नहीं लिखना होता परंतु हमने लिख दिया क्योंकि आप थोड़े समझदार ज्यादा है इसलिए लिख दिया है ना, थोड़े क्या है समझदार हैं, समझदार नहीं होते तो नहीं लिखा होता, तो थोड़े से हम जीनियस से भी क्या है थोड़े थोड़े परे हैं, अपने आप को कम नहीं आंकना भाई, सीधी सी बात है ना, कम आंकना जाए तो नंबर भी कम आना जाए, नहीं सोचे बहुत ज्यादा पढ़े है आपका कम पढ़ा तो आप लोग तो उतना ही मानसिकता कम हो जाए, तो ये बीमारी कौन पाड़ दी है ऐसे नाम से कुत्तों पाड़ दिए बीमारी के नाम को, हमारे घर वाले कुत्तो है ना दूसरे कुत्ते से कमजोर है पर मैं कमजोर को नहीं, क्योंकि आजकल घर का दरवाजे के ऊपर लिखे कुत्तों से सावधान या कुत्ते से सावधान, पहले आया कर तो स्वागतम वेलकम, आजकल घर के नेम प्लेट के नीचे लिखता है कुत्ते से सावधान, मुझे तो ये समझ में नहीं आया इस घर में कौन रहते हैं कुत्ते से सावधान रहते इंसान और कुत्ते से सावधान रही, हो सकता है भाई लाड़ खानो हुए था बताओ है ना। हाँ तो इसके बाद देखो हमने जो बात की कि 30 बनता है तो tan 30 बनेगा, तो tan 30 बराबर एच बटा में यानी लंब बटा में आधार, tan 30 बराबर एच बटा में एक्स प्लस 10, tan 30 का मान एक बटा रूट तीन, एच बटा में एच एच बटा में एच प्लस 10 और क्रॉस मल्टीपल किए तो हो गया जी बस और रूट तीन रूट तीन एच बराबर एच प्लस 10, पक्षांतरण किया तो रूट तीन एच माइनस एच बराबर 10, एच कॉमन लियो सा कॉमन लियो तो बच गया रूट तीन माइनस एक बराबर 10 और एच का सागे जो भाग में गुणा में इबा लाई भाग में एक बाद में करियो आप रेशियलाइजेशन, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह लेके गुणों कर दियो, गुणों करियो तो आप आयो रूट देखो उरे से करियो गुणों आपा तो रूट तीन प्लस 1 तो ये तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर मतलब रूट तीन का स्क्वायर और रूट तीन का स्क्वायर क्या होता है तीन और एक का स्क्वायर है एक, तो तीन में से एक गया बच गया दो और दस में लगाया भाग दो का तो आया पांच और उत्तर लगा देंगे पांच रूट तीन प्लस एक, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो वापिस दो भाई आपके डाउट है। हाँ मिनखा के बात है कहीं एकली एकली मुड़का है बेटा, समझ मारे हो कि? चलो कोई बात नहीं ध्यान दो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा होते हैं, बस पढ़ाई का माँ और घड़ाई अच्छा आपा क्यों डाबरो पढ़ा जदि रात ना के अपनी सूजी रवे
क्योंकि टाबर की आंख सूजी रहे तो दिमाग में आवे कह तो टाबर ज्यादा पढ़ियो है रात ने और कह पढ़ाई ने इतनी बर्डन ले रखे हो कि टाबर को दिमाग भी चालनो बंद कर रखे हो, तो इतनो काम में भी ना लिया करो, हिसाब से सो भी जाया करो। 10-11 बजे तक पढ़ो, घणो ही टाइम हुए रात, सुबह उठ के पढ़ लिया करो थोड़ा सो, 6 घंटा नींद है, उत्तर ही 60 है। यार बात में किमी सोन की कर रहे हो तो तू उत्तर पे 60 की बात कर रहे, छोरे जवाब दे दियो उत्तर की तो आगे बेटा 60। ओ जीनियस परे है टाबरियो, देखो बातां बातां भी सवाल को कर गयो और उत्तर दे गयो, देखो पैनी कौन चलाए टाबरिया। अब देखो ये किसो को नहीं है, वो बात है किसी के है? किसी एलो जी, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस, ओ जी एक डांग है, आ लाठी है, आ छड़ी है, आपने बोले अपनी डंडकोरी लाठी छड़ी है, आ एक डांग है, ऐसा लाठी है बांस है, वो 6 मीटर ऊंचो है, ड्राओ बना रखे को ऊपर, एक ही जी की परछाई है ना, ए आ आ परछाई है, 2√3। तो कह के उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो कौन सा ए होता है थीटा, और आप पढ़े हो लंब बटे आधार, तो लंब बड़े आधार होता है आपका टेन ए थीटा बराबर 6/2√3, और कटा तो 3/√3। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/√3, 3 से 3 कटा √3 आ गया √3, और √3 tan में किसका होता है, tan थीटा बराबर है किसका होता है, tan 60, तो थीटा की वैल्यू आई आपकी 60। देखो टाबर ये सोल भी कौन करियो, पेन चलाए बिना पर्सन को उत्तर दे दियो, मिन खियो बुणगलो थे भी यही कराया करो, है ना, पर्सन ना देखा करो, ना पर्सन देखा करो, पेन ना चलाया करो, देखते ही उत्तर की संभावना जताया करो, क्योंकि मैथ में भी कई बार टाबर तुक्का मार के आवे है आजकल, है ना, कई बार नहीं होगा गुरुजी 20 क्वेश्चन आवे दशम के मार दिया, तुक्का मार दिया गुरुजी, पिल्स कह भी रोको नहीं, है ना, मैथ्स में नहीं पिलता, बाकी में तुक्का लग सकता है थोड़ा बहुत, है अरबी रुको नहीं भाई, भाग जाग जा था लियो दियो खड़ा दो आज तो तुक्को भी चाल जाए, पर संभावना कम है, पर भी रुको नहीं भाई जाग जा भाग, कह को खड़े हो भाग हो गए, अरे आपनो भाग तो सुत्यो पड़े हो, मैं तो करें करता करता ही कुछ हो रहे हो, क्यों कहीं यहाँ को खड़े हो भाग हो गए ना टाबरो, उनका तुक्का भी पील रहे थाने बताओ, वो तो तुक्का भी मारे तो पिल जिए, और कई टाबर तो बेचारा सवाल कर ले है फिर भी उत्तर कौन मिला, तुक्को तो खड़ा दूर है, क्यों टाबरो है ना, के कौन मिला है उत्तर, बेचारो घणो ही कोशिश करे उड़े से लेके लंबो पर्सन लेके चल ले हो, पर लास्ट में उत्तर है बेमेल होगी, इप करे तो बिचारो के करे, बिचारो को भागे सुत्ते पड़े, कोई ने माड़ो माड़ो मन ना करे करो बेटा, जागो यो भी कदे कुमकर्ण ही भोरियो है, पर थे जागोगा तो आप ही जाग जागो, बस थे जागता रहया करो, पर जागता रहो किताब लेके जाग तो रहे ना, कदे मोबाइल लेके जागता रहो, कदे मोबाइल के लाग गया रहो, देख गुरजिया के जाग तो रहो कितना ही रोचे है। तो अभी देखो बेटा अगला क्वेश्चन की बात करांगे मेरे लाडलो, ओ देखो देखा अगलो पर्सन बहुत अच्छो सो है, उत्तर आगे बेटा है को भी देखो बिना पेन चलाए उत्तर देने को प्रयास करो, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 है, तो बेटा लम है ए 100√3 और परछाई है बट्टा में 100 और 100 से कट गया 100 और बच गया √3 होता है 60, उत्तर है क्या बात है, हो गया रखे जावे सबा सबर, ए कहीं देखो भाग जाग गए बेटा, हाँ अब गुणगली से छोरी देखे आज सही जवाब दे रही है, समझ मारे बेटा तेरा, एक उत्तर भी कितना आया बेटा 60 आयो, हाँ अरे सोना मोना बाबू थे भी बोलो, अच्छा बाबू ठीक है, हाँ चलो ध्यान दिया करो बेटा, तो बाबू को एक लग ठीक रहे हैं कोने, सोना मोना का दोनों का ही ठीक रहे हैं राज्य, है ना मन राज्य होना चाहिए, वो अपने कहे मन मन चंगा तो कठोती में गंगा, तो 100/√3/100 ये आ गया आपका tan थीटा,
क्यों भाई चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, एक मीनार की ऊंचाई आ मीनार है, 100 रूट है 3 है, और एक ही मीनार के पाद से एक ही नीम से एक है जड़ से एक ही दूरी 100 मीटर पर एक है बिंदु, और बिंदु पर स्थित एक ही चोटी को उन्ने ने कोण और लंब बटा आधार, 100 से कट गया 100 और रूट 3 मान किसका होता है टेन 60 का, टेन से कट गया 10 और थीटा बराबर है 60 डिग्री। क्या बात है मेरे सिरों, देखो टाबरा पेन ही कौन चला है बेटा, बुनगला समझ में आयोगे, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए बुनिया सा टाबर है बेचारा, बुनगला सा देखो है, जडम भी बहुत आंगता बेतारा सुबह सुबह है बिलोंगता, आज मौसम भी है यहाँ कोई है हैं? हाँ अभी देख लियो अगलो, देखो अगलो प्रश्न देखो बेटा के है अगला क्वेश्चन। अरे बीच में कड़े आ गयो तू, ये और ही आवे है लियो तो। अरे बेटा टिकट कटना इतनी के करना आग रही हो रहे है? हैं बोलो न्यू करके सवाल कर दे छोरो। अच्छा 10√3 आ गयो, 10√3 को मतलब बेटा, अच्छा 10√3 काटा बाडी कर ली, शाबाश बहुत बढ़िया, उत्तर भी काट लियो बेटा, अब 10√3 देख लियो छोरियो आया उत्तर काटे करो बेटा, 17.32 17.32 उत्तर आ गयो, चलो कोई ना काट लियो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो एक मीनार के पाद से आ बनाई जी अपन मीनार, अपन को ईंट लगानी इनको डगड़ियो उनको खोरियो, देखो कितनो जमानो बढ़िया आ गयो, कोई नहीं का मीनार बोल यार इजा मार ली मीनार। अब कह मीनार के पाद से आप परली मीनार की जो जड़ है ना नीम है, ऐसे 30 मीटर दूरी पे ए ओ 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ओ बिंदु रहियो, और इसके बिंदु से इसकी चोटी आ रही है परली मीनार की चोटी है ना, चोटी के ऊपर है चोटी, का उन्नयन कोण है ओ बतावे 30, तो कवे मीनार की ऊंचाई आ रही है परली मीनार ऊंचाई एच, समझ में आई? तो देखो बेटा सुनना ना बेटा, उन्हें देखो ध्यान दियो एच और आगे मान ओ लंब ओ आधार, तो बेटा टेन 30 बराबर लंब बटे आधार एच बटा में 30, एको मान की तो बेटा 1/√3 बराबर एच बटा 30 और क्रॉस मल्टीपल किया तो आ गया आपका √3 h = 30 और h बराबर है या 30 बटा ये वाली संख्या गुणा में लगा, गुणा वाली लगा देंगे भाग में, तो अभी तक उत्तर नहीं आया बेटा, ऐसी कोई संख्या है इसको ऊपर नीचे गुणा करना है इसी संख्या को, तो देखो 30 × √3 और बटा में √3 गुणा में रूट है 3 और √3 को √3 से गुणा किया 3 और 3 से कट गया ये आया 10 और उत्तर आ गया भाई 10√3 और √3 का मान होता है 1.732, गुणा करेंगे 10 × 1.732 उत्तर आ जाएगा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर, समझ में आ रहा है ना, इजी है टॉपिक, पर्सन पेपर में पक्का आता है बेटा इसमें है ना, पेपर पर्सन भी जी है ना, और सवाल भी थे देखो धनादन करना आग्रह हो क्यों पर्सन आगे होके बाजरना आग्रह थे देखो गेल गेल हो था तो जाएंगे ठीक है, तो अगले पर्सन को उत्तर देखियो दिखा फिर था जाए तो था रहे ए ओ लियो पतंग है बेटा पतंग, पतंग तो देखो था ना बीरो ये कहीं उड़े है ना तिरछी उड़े बेटा, हाँ कदे पतंग ने सीधी उड़ा दे बुलबा उड़ना आगरी, देखो पतंग की डोर ए ओ है पतंग और आ पतंग की पूछड़ी, हाँ आज नहीं बनाया करता पहली गम्मा में पतंग पूछड़ो होया कर तो पहली पतंग रस बांध के उनको ऊपर ऊन लाया जा तो पतंग ऊपर उड़िया जान दो पूछ, आजकल ये बिना पूछ का पतंग आंडे थन बेरुए
देखो कई बार देखा शहरा का मैं छत्ता ऊपर ले लेके डीजे डाजे न्यारी दर्द टाबर ए पतंग की डोर की लंबाई कितनी मेरे लाडलो 100 मीटर है 100 मीटर क्षैतिज तल क्षैतिज हुए बेटा ये ओ क्षैतिज वापरली छात जे ऊपर आप पतंग उड़ावा छात नहीं हो तो जमीन पर उड़ा ले आप है ना तो भाई छात भी तू अपनी जमीन पर कड़े न कड़े तो ये क्षैतिज तल है ये क्षैतिज है क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण ये बनाती 60 डिग्री का कोण अब कह रहा है कोण बनाती तो भूतल से पतंग की ऊंचाई या जमीन से की ऊंचाई कितनी है आ ऊंचाई और ऊंचाई क्यों है एच ये देखो लाल बट्टा कक्का से पूछो थे और बुक्के कहो जवाब मांगो दिखा लाल बट्टा कक्का से देखो बेटा ओ तो के अपनो करण है ओ अपनो लंब है ओ अपनो के है लंब है और ये अपना क्या है करण है और लंब करण किसमें होता है साइन में किसमें होता है साइन में तो बेटा साइन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा करण और लंब आपका एच और करण आपका 100 है ना अब साइन 60 का मान कितना बोले थे आप शाबाश कितना रूट 3/2 बराबर एच और बटा 100 बेटा काटो 2 से कट गया ये नीचे 50 और गुणा किया तो एच आ गया 50√3 मीटर अब देखो उत्तर ये ना हो तो 50 से जब इसे गुणा करेंगे आप 1.732 तो उत्तर आ जाएगा 86.6 मीटर 86.6 मीटर देखो एक पतंग की डोर ऐसे बनानी अब कहीं से के समकोण त्रिभुज टाबर बनावे तो अहियां नहीं बनाओ तो पतंग भैया यहां बना दियो कई बार थे उरलेना के खड़े हो मान लियो तो पतंग उरलेना के बना दियो थारी मर्जी है पर डोर तो यही हुए पतंग की कदे डोरिया मान लियो अतरा पतंग उड़ेगी कदे है ऐसे नहीं करना है पतंग आपा नहीं है उड़ाना है कदे पतंग न्यू करके उड़ा दे ऊपर ने समझ में आई तो पतंग है कि डोर ऐसे तिरछी होगी समझ में आई इसका उत्तर किस किस ने निकाल लिया था 50√3 86.6 शाबाश सारा ही टाबर देखो इंटेलिजेंट है आज है सारे टाबर निकालियो बहुत बढ़िया भाई आपने आ जाओ अबे 8वें क्वेश्चन पे ओग्यो के बेटा करनो पड़ेगा बिना लिखता ही थोड़ी ओग्यो अभी देखो आप कर्षा अभी देखो भूतल मतलब एक जमीन भूतल का मतलब एक धरातल की बात करे जमीन की बात करे पर्सन पढ़ो पहले बेटा एक बार रुको पर्सन पढ़िया करो बाद में चित्र बनाया करो फिर जल्दी से सूल कर दिया करो भूतल पर स्थित जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार तो भैया ये ओ आपनो भूतल और आपनी मीनार बना दी देखो के जमाना मीनार बिना ईंट बिना डगड़िए मीनार मैथ्स में हुए हाँ भैया रियल में मीनार बनाओ तो खर्च ला गए आ मीनार बना दिया आप कह के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ले भाई चोटी को उन्नयन कोण है ओ 30 डिग्री है इस बिंदु से मीनार की ओर ए बिंदु से मीनार कन्नी मीनार की ओर को मतलब मीनार कन चलना अपन मीनार की ओर 20 मीटर दूरी पर स्थित ए ओ बिंदु है 20 मीटर दूरी पर उन्ने ए बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण ए ओ चोटी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जावे तो कहे मीनार की ऊंचाई कितनी तो ऊंचाई अपनी एच है आके मानांगा आपा एक्स बात हुई थी कि अपने सवाल तो बेटो इसके अंदर देखो ये पूरी लंबाई हुई आपकी एक्स प्लस 20 मीटर हुई कि नहीं हुई पहले हमेशा मैंने कहा कि छोटे वाला त्रिभुज सोल करिएगा बड़े वाला त्रिभुज को सोल नहीं कर रहे हैं वो तो बाद में उत्तर देने के काम आएगा तो देखो बेटा सीधा ही लंब बटे आधार लंब आधार में क्या आपका टेन तो आपका बन गया टेन 60 बराबर एच बटा एक्स ये है बेटा ये लेना है छोटे वाले में इस त्रिभुज को लेना है पहले
इस वाले को मात्र। तो टेन साठ का मान कितना हुआ, रूट ए तीन बर, बराबर एच बटा में एक्स, और एच बराबर हो गया आपका रूट तीन एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर दिए बेटा इसके नीचे एक। पर देखो ऊंचाई पूछी है, आगे देख लेंगे। देखो क्या करना है, एक्स का मान निकालना पड़ेगा, अगले में लेते हैं। देखो इस अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो एस तो ये है, और लंब कितना होएगा फिर, नहीं आधार एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 होगा। तो देखिएगा टेन 30 बराबर लंब एच और आधार एक्स प्लस 20, तो एक्स प्लस 20 लिख दिया। टेन 30 का मान कितना होता है, एक बटा रूट तीन बराबर एच का एच, एच का एच, इस एक्स की जगह मान क्या रखो, क्योंकि आपको क्या पूछा, उसने क्या पूछा है, ऊंचाई, ऊंचाई पूछी है, तो बाद में देख लेंगे, एक बार रखो तो ठीक है, नहीं था पढ़ा रहे हो एक बार। तो एक्स का एक्स प्लस 20 का 20, देखो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, एक्स प्लस 20 और बराबर रूट तीन एच। बेटा अपन एच पूछो है तो एक्स को मान तो हटाणो, एक्स की जगह के रक्स का भी आपा कि एक्स बराबर इसके अंदर भाग लगाएंगे तो एच बटा रूट है तीन। तो यहां पे लिखा आपने एच बटा रूट है तीन, अब देखो प्लस 20 और बराबर रूट है तीन माइनस, नहीं तीन है रूट तीन एच। बेटा एन इन ले जाओ और ये यूं को यूं रखो, अगर इसको इधर ले गए तो आपके पास बन गया रूट तीन एच, इधर लेके गए तो माइनस एच बटा रूट है तीन, है ना, और बराबर बेटा 20। पक्षांतरण किए बेटा, इसको इधर ले गया तो मैंने पहले लिख दिया बात तो ये की, तो इसको देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना बेटा, देखो गुणा करें तो ये हो गया आपका तीन एच माइनस एच और बटा रूट है तीन और बराबर है 20। अब देखो तीन एच में से, तीन एच में से एक एच गया, कितना बस गया दो एच, सीधा ही दो एच, और दो एच बटा में रूट है तीन और बराबर आपका 20। तो बेटा कट रहे देखो, कट गया ये आ गया आपका 10, तो एच बटा रूट तीन बराबर 10 बटा एक, और एच का एच और 10 इंटू में रूट है तीन, और उत्तर आ जाएगा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। बात समझ में आई सभी को, कोई डाउट नहीं है, कर पाओगे, बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे इसको, ठीक है, मिलते हैं कल अपन फिर इन्हीं ऊंचाई के साथ, इन्हीं दूरी के साथ।